सो गाइज, फाइनली आइको की तरफ से 9 सीरीज यहाँ पे ऑफिशियल हो चुकी है कि कब लॉन्च होगी। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट लुक सामने आ चुका है यहाँ पे, और आइको 9 प्रो स्मार्टफोन का अगर आपको वेट है तो ये वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे वन प्लस के स्मार्टफोन्स का वेट करते थे लोग क्योंकि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होते थे, ऐसे ही आजकल कुछ यहाँ पे आइको के स्मार्टफोन्स के साथ में है क्योंकि इन स्मार्टफोन्स में आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू देखने को मिलती है जिस प्राइस के ऊपर ये लॉन्च होते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको दी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे आइको 9 और 9 प्रो स्मार्टफोन्स के बारे में, और यहाँ पे इंडिया में ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों अगर आइको 9 सीरीज़ के यहाँ पे ऑफिशियल लॉन्च की हम बात करते हैं तो जनवरी के अंदर इन स्मार्टफोन्स का लॉन्च होगा यहाँ पे, और 5 जनवरी को सबसे पहले ये स्मार्टफोन चाइना में आने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर इसके फर्स्ट लुक की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन होगा यहाँ पे आइको 9 प्रो स्मार्टफोन का। हालांकि जो नॉर्मल वेरिएंट होगा आइको 9 उसका थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइन हो सकता है। वहाँ पे शायद आपको इतना बड़ा कैमरा पंप ना देखने को मिले, छोटा वाला ही वहाँ पे यूज़ किया जाए जैसे कि आइको 8 सीरीज़ के अंदर हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो कैमरा डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है, कुछ कस्टमर्स को ये पसंद आ सकता है, वहीं पे कुछ कस्टमर्स को ये अननेसेसरी लग सकता है यहाँ पे, लेकिन कुछ इसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पे आपको कई सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में। पहले Mi 11 Ultra में ये स्मार्टफोन डिज़ाइन आया था लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि ड्यूअल स्क्रीन का वहाँ पर यूज़ किया गया था। इसके बाद वीवो के स्मार्टफोन में आपको ये स्मार्टफोन डिज़ाइन देखने को मिला X70 Pro Plus में, और अब इसी तरह का डिज़ाइन आएगा आइको 9 Pro स्मार्टफोन में। बाकी अगर कलर्स की बात करते हैं तो जिस तरह के कलर आपको मिलते हैं बाकी स्मार्टफोन्स में, जैसे आइको 8 सीरीज़ की बात करें या फिर 7 सीरीज़ की, कुछ इसी तरह का कलर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में भी। अब आते हैं दोस्तों इन स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की सबसे पहले बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पे आपको एमोलेड पैनल का यूज़ मिलेगा जो कि E5 पैनल होने वाला है सैमसंग की तरफ से। हालांकि अगर डिफरेंस की बात करें तो जो आइको 9 स्मार्टफोन है वहाँ पे 6.78 इंच की आपको एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। वहीं पे जो प्रो वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलेगी 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, और ये यहाँ पे एक कर्व्ड डिस्प्ले होने वाली है जो कि अपने आप में काफ़ी प्रीमियम आपको लगेगी। तो दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, 120 हर्ट्ज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों प्रो वेरिएंट में आपको LTPO डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी होती है रिफ्रेश रेट के मामले में। डिस्प्लेज की बात अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हर साल की तरह यहाँ पे फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको दी जाएगी जो कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ में होगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिलेगा, और इसके अलावा आपको 8GB और 12GB के रैम वेरिएंट मिलेंगे। साथ में यहाँ पे 256GB तक की स्टोरेज आ जाएगी, और एक वेरिएंट यहाँ पे हो सकता है कि 512GB के साथ में भी आपको देखने को मिले प्रो वेरिएंट में, लेकिन इंडिया में शायद यहाँ पे 256GB तक के ही वेरिएंट आपको मिलेंगे इन स्मार्टफोन्स में। परफॉर्मेंस में यहाँ पे दोस्तों कूलिंग वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है आइको के स्मार्टफोन्स में, तो परफॉर्मेंस में आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। कोई भी आइको का स्मार्टफोन ले लीजिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है मैक्सिमम केसेस में। अगर कैमरा वाइज यहाँ पे बात करते हैं तो कैमरा के मामले में भी आइको काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे करता है, और कुछ उसी तरह का यहाँ पे कैमरा सेटअप दिया जाएगा जिस तरह का GT सीरीज में आने वाला है रियलमी की तरफ से। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको दो कैमराज मिलेंगे 50 मेगापिक्सल के, और एक थर्ड कैमरा आपको दिया जाएगा। हालांकि थर्ड कैमरा की डिटेल फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जो दो कैमराज हैं 50 मेगापिक्सल ईच होंगे जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, और जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है दोस्तों उसमें आपको 150 डिग्री के भी शॉट्स लेने का ऑप्शन मिल जाएगा जिस तरह की रियलमी GT 2 सीरीज में आया है। यानी कि यहाँ पे कैमरा वाइज आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइको 9 प्रो स्मार्टफोन से, लेकिन जो आइको 9 स्मार्टफोन है उसकी कैमरा की डिटेल आनी फिलहाल बाकी है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर बैटरी वाइज देखें इन स्मार्टफोन्स को तो 4700mAh के आसपास की बैटरी रहेगी, और साथ में 120W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों ओवरऑल अगर आइको 9 प्रो स्मार्टफोन की बात करते हैं तो काफ़ी कमाल का ऑप्शन होगा ये सभी कस्टमर्स के लिए। हालांकि इंडिया के लिए न्यूज़ ऐसी है दोस्तों कि जो आइको 8 सीरीज़ लॉन्च हुई थी चाइना के अंदर, उसमें से एक स्मार्टफोन यहाँ पे आइको 9 सीरीज़ में रीब्रांड होकर आएगा। अब देखते हैं कि ये न्यूज़ कितनी सच है, अदरवाइज आइको 9 प्रो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे लग रहा है स्पेसिफिकेशन वाइज, और इसका मुझे पर्सनली वेट है। तो देखते हैं कि कब तक ये स्मार्टफोन इंडिया में लाते हैं। अगर लॉन्च की बात करें तो चाइना में 5 तारीख को लॉन्च होंगे, और उम्मीद यही है कि इंडिया के अंदर भी दोस्तों ये स्मार्टफोन जनवरी के महीने में ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी ज़्यादा वेट नहीं करना है, जनवरी में काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आने वाले हैं आप सबके लिए, तो इसके लिए आपको चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी।
आप हमें बताइए दोस्तों कि आप आईकू 9 सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।